स्टार्ट okay. so drought. शरत चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ एक लेसन है Drought का मतलब होता है सूखा और सूखा कब होता है जब बरसात कम होती है फसल ही नहीं हो पाती और ये एक विभीषिका है एक प्रकार से आप ये समझिए क्या क्या असर होता है किस तरीके से फर्क पड़ता है समाज के लोगों पर और विशेष रूप से एक गरीब आदमी के ऊपर पानी नहीं होता है बरसात नहीं होती है तो पानी भी नहीं होता है और हम लोग तो राजस्थान में रहते हैं और आम बात है हमारे यहां पर तो बरसात बहुत कम होती है जब सूखा पड़ जाता है अब तो खैर कई सालों से ठीक बरसात हो रही है तो नौबत नहीं आ रही लेकिन पानी नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा बिना पानी के फसल तो ठीक है पीने तक के लिए पानी नहीं मिल पाता है तो इन्होंने जो राइटर हैं, शरद चंद्र चटर्जी बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने एक बताया है एक, एक गफूर नाम का व्यक्ति है काफी गरीब है बेचारा और क्या उसकी स्थिति है उस सूखे के अंदर किस तरीके से बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने और समझाने की कोशिश की है संवेदनाओं से मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ पाठ है इन पाठों को हम केवल परीक्षा में पास करने के हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए हमें कुछ चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए लिटरेचर है ये और इसको पढ़कर के हमारी समझ का भी डेवलपमेंट होना चाहिए हमारे अंदर एक मानवीय संवेदनाएं जो होती है उनका भी विकास होना चाहिए अच्छी बुरी बातों को सीखें समझें दुनिया में किस प्रकार से चीजें हो रही हैं तो उस हिसाब से इस लेसन को लिखा गया है काफी फेमस राइटर हैं शरद चंद्र चटर्जी नाम से पता चल रहा है कि बंगाली हैं और आगे आइए अपन चालू कर रहे हैं जरा लेसन को अबाउट द राइटर सबसे पहले लिखा हुआ शरद चंद्र चटर्जी वाज अ प्रोमिनेंट बंगाली नॉवलिस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द अर्ली ही बंगाली उपन्यासकार रहे हैं मैंने कहा ना लिटरेचर है ये जो भी अपन पढ़ते हैं सब दिस इज ऑल लिटरेचर लिटरेचर कोई अलग से ठप्पा नहीं लगा हुआ होता लिटरेचर के ऊपर हमने काफी कहानियां पढ़ी हैं अभी हमने स्वयं पढ़ा गिटार प्लेयर पढ़ा हमने द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी पढ़ा हमने टाइगर किंग पढ़ा दैट इज ऑल लिटरेचर समझ रहे हैं अब तो ये बहुत ही प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार थे लघु कथाकार थे कहानियां छोटी छोटी कहानियां बहुत लिखी हैं ये भी एक कहानी जैसी है और मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स डील विद द लाइफ स्टाइल स्ट्रगल ऑफ द विलेज पीपुल द कंटेम्प्रेरी सोशल प्रैक्टिस बेंगाल और उनकी ज्यादातर जो काम जो उन्होंने किया जो वर्क उन्होंने किया जो लेखन कार्य उन्होंने किया वो ज्यादातर जो गांव के लोग होते हैं उनकी जीवन शैली उनकी दुखांतिका उनके दुखों की जो बातें हैं और उन गांव के लोग किस प्रकार से संघर्ष करते हैं ज्यादातर उनका जो कार्य है वो इसी से संबंधित है गांव के लोगों के बारे में लिखा उन्होंने ज्यादातर उपन्यास भी लिखे हैं कहानियां भी लिखी हैं तो ज्यादातर उनकी उपन्यासों में कहानियों में गांव के लोगों का जीवन शैली गांव के लोगों की जीवन शैली कैसी होती है उनके दुख तकलीफ क्या क्या होती हैं किस प्रकार से वो संघर्ष करते हैं अपने जीवन में और इसके साथ साथ समकालीन उस समय की जो सामाजिक प्रथाएं थी बंगाल के अंदर जो फैली हुई थी उन प्रथाओं के अनुसार इन्होंने उन चीजों को लिखा है जब भी इनका राइटिंग वर्क होता है तो उसमें इन चीजों की झलक देखने को मिलती है बंगाल का बंगाल का जीवन कैसा रहा वहां की प्रथाएं कैसी रही गांव के लोग किस प्रकार से संघर्ष करते थे कैसे वो जीते थे उनका फोकस मेन इन्हीं चीजों पर रहता था लिखते समय तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये गफूर एक व्यक्ति है उसकी ये कहानी है किस प्रकार से वो गरीबी में किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करता है और फिर सूखा और पड़ जाता है तो शुरू करें जरा <laughs> काशीपुर गांव का नाम था काशीपुर इट वॉज अ स्मॉल विलेज बहुत सिंपल सा लैंग्वेज में लिखा हुआ है एक छोटा सा गांव था इट्स ए जमींदार वॉज स्मॉलर स्टिल हालांकि गांव भी छोटा था लेकिन उसका जो जमींदार था ना वो और भी छोटा था आदमी छोटा और बड़ा कैसे होता है आदमी कद से रुपए पैसे से रुतबे से छोटा बड़ा नहीं होता है आदमी की प्रवृत्ति क्या है उससे आदमी छोटा बड़ा होता है और ऐसा भी कहा जाता है कि व्यक्ति बड़ा वो ही होता है जो अपने पास बैठे हुए व्यक्ति को छोटा महसूस ना होने दे समझ रहे हैं आप किसी को मान सम्मान देना किसी को समझना किसी के प्रति अपनी संवेदनाएं होना अगर ये नहीं है व्यक्ति के अंदर तो वो बड़ा व्यक्ति नहीं हो सकता यानी कि कहने का मतलब ये कि जो जमींदार है गांव का वो गांव तो छोटा था लेकिन वो जमींदार और भी छोटा था छोटा का मतलब अपने स्वभाव से समझ रहे हैं ना आप अपने व्यवहार से अपने विचारों से छोटा होना रुपए पैसे से छोटा होना नहीं Yet, his tenants dared not stand up to him हिम uske उसके जो the थे उनकी हिम्मत नहीं होती थी उसके सामने कुछ बोल पाने की उसके सामने खड़े हो पाने की He was सो so रेस बहुत निर्दयी था ये यानी कि ये जो विलेस का जो जमींदार था ये बड़ा निर्दयी था वैसे तो ये अपेक्षा की जाती है कि गांव का ऐसा कोई बड़ा व्यक्ति है तो बड़ा मन का उसको होना चाहिए मैंने कहा कि बड़े मन का होना चाहिए उसको उससे कोई छोटे लोग हैं तो उनका भी उसको ध्यान रखना चाहिए मेरा ऐसा मानना है समझ रहे हैं आप केवल अपने लिए नहीं बड़ा तो वही होता है बड़ा तो वही होता है जो अपने से छोटों को भी बड़ा मान सम्मान दे और उनको बराबर जगह दे अपने पास बड़ा तो वही होता है रुपये पैसे से बड़ा नहीं होता है पर अब समाज तरह तरह की परिभाषाएं हो जाती है बड़े और छोटे की इट वॉज द बर्थडे ऑफ हिस्सन और ये जो बात है उस दिन की है, जब जमीदार का जो बेटा था सबसे छोटा बेटा उसका जन्मदिन था इट वॉज नून दोपहर का टाइम था लिटरेचर वाले विशेष रूप से ध्यान दें किस तरीके से लिखा जाता है चीजों को दोपहर का समय था तारक रत्ना द प्रीस्ट वॉज ऑन हिस्स वे होम फ्रॉम द लैंड लॉर्ड हाउस वेयर ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर्स अब चूंकि जमींदार के बेटे का जन्मदिन था तो तारक रत्न जो कि पुजारी था ठीक है ना पुजारी या पुरोहित या पंडित घरों में अपने पूजा पाठ होती है तो अपन बुलाते हैं पंडितों को तो तारक रत्न जो था वो प्रीस्ट यानी कि पुरोहित था एक पंडित था एक पुजारी था वॉज ऑन इज वे होम फ्रॉम द लैंड लॉर्ड हाउस और ये लैंडलॉर्ड के घर से यानी कि जमींदार के घर से वापस जा रहा था वेयर ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर्स पर वेयर आ रहा है जमींदार के घर के लिए जहां पर कि उसने पूजा पाठ किया था कुछ क्योंकि उसके बेटे का जन्मदिन था ना किसका जमींदार के बेटे का जन्मदिन था तो जमींदार ने जमींदार ने पंडित जी को बुलाया होगा कि भाई हमारे बेटे का जन्मदिन है तो घर में थोड़ी सी पूजा पाठ कर दो तो वो पूजा पाठ करवा करके अपने वापस जा रहा था इट वॉज नियरिंग द एंड ऑफ मे और ये समय कब का है द एंड ऑफ मे यानी कि मई के अंतिम अंतिम दिन। हाँ, मई का जो महीना था उसके अंतिम दिनों की बात है तो गर्मी अच्छी खासी होती है मई के महीने में तो बट नॉट अ पैच ऑफ क्लाउड कुड बी सीन इन द स्काई हालांकि मई का महीना था मानसून के आने की तैयारी होती है अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से आता है लेकिन आसमान में बादल का एक टुकड़ा भी दिखाई नहीं दे रहा था समझ गए आप आप? स्टोरी शुरू हो चुकी है सूखे की बात शुरू हो गई ना अब होता है लिखने का स्टाइल ये होता है लिखने का स्टाइल दिस इज कॉल्ड द स्टाइल ऑफ़ राइटिंग लिटरेचर वाले विशेष रूप से ध्यान दें आप जिनके पास लिटरेचर है तो आसमान में एक बादल का एक कतरा भी दिखाई नहीं दे रहा था द रेनलेस फर्मामेंट फायर और जो आसमान था कैसी आग उगल रहा था रेनलेस फर्मामेंट तो रेनलेस का मतलब बिना वर्षा वाला गर्मी के दिन जब होते हैं होते हैं ना गर्मी के दिन तो गर्मी के दिनों में आग कैसी उगलता है मौसम जब हम सोचते हैं थोड़ी बरसात हो जाए तो थोड़ी राहत मिले है ना फर्मा का मतलब यहाँ पर आसमान है स्काई है आप देख लीजिए एक नया वर्ड आपको पता चल जाएगा वहीं से लेकर के लिख लिया करो आप और जितना ध्यान से देखोगे फोकस करोगे कंसंट्रेशन रखोगे तो माइंड में सेट हो जाएगा तो आसमान आग उगल रहा था बरसात थी नहीं क्या करें अब समझ रहे हैं आप धीरे धीरे एक एक बैकग्राउंड बनना शुरू हो गया ना सूखे का फील्ड इन फ्रंट स्ट्रेचिंग आउट टू द होरिजन और सामने जो खेत थे छत्तीस तक फैले हुए थे एंड ब्रोकन अप इन टू टेन्स ऑफ थाउजेंड ऑफ फिश फिशर्स फिशर्स देखो तो जब सूखा पड़ता है ना तो जमीन में भी दरारें पड़ जाती हैं शायद आपने तो कभी देखा नहीं होगा जमीन भी सूख जाती है और सूख करके फटने लग जाती है सूखा जा पड़ता है तो चूंकि जमीन में पानी नहीं होता तो जमीन सूख करके फटने लग जाती है धरती भी फटने लग जाती है तो धरती का हाल क्या हो रहा था पता है देखिए आप किस तरीके से वर्णन किया गया है समझिए आप जरा यहां पर द फील्ड इन फ्रंट सामने जो खेत थे सामने जो खेत थे stretching out to the horizon. Stretching out का मतलब समझते हो आप समझते हो क्या क्षितिज क्या होता है होरिजन क्या होता है इज देअर एनिमन अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ छितिज नहीं पता कभी, कभी तो बताया गया होगा आप आप ध्यान कम देते हो आप लोग ये तो था। था। बताया था लेकिन ध्यान को बताया था बताया था बताओ ना आप भी तो रेखा होती है कौन सी रेखा होती है फिल्मों वाली रेखा सर तो धरती और आसमान बिल्कुल ठीक है जहाँ पर आपको धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं ना मिलते वो जगह कहलाती है हो तो दूर तक खेत जो फैले हुए थे छितिस तक ब्रोकन अप वो फट गए थे इन टू ऑफ थाउजेंड ऑफ फिशर्स इन द बर्निंग ब्लेस आग की जो लपटे थी ऊपर से जो सूरज की आग बरस रही थी उस आग से है ना हजारों गहरी दरारें उन खेतों के अंदर पड़ चुकी थी एंड इट लुकड एज दो लाइफ ब्लड ऑफ मदर अर्थ वॉजी देखिए और ऐसा लग रहा था ऐसा दिखाई देता था कि जैसे मानो धरती माता जो है धरती माता लहू लुहान हो रही है देखिए लिटरेचर अब ऐसा लग रहा था जैसे धरती माता लहूलुहान लुहान हो रही है उस धरती माता की छाती में घाव हो रहे हैं और उन घावों में से रक्त बह रहा है धुएं के रूप में समझ रहे हैं आप देखिए आप वेदना यहाँ पर हम तो धरती निरंतर निरंतर अनसीजिंगली बिना रुके एंड लुक्ड इट लुक्ड एज दो लाइफ ब्लड ऑफ मदर अर्थ यानी कि ऐसे लग रहा था जैसे कि इस भारत माता का इस धरती माता का भारत माता नहीं सॉरी धरती माता धरती को भी तो हम माता के रूप में मानते हैं ना सब धरती हमें जीवन देती है सब कुछ हमें देती है तो हम इसको भी मां के रूप में मानते हैं ये कल्चर है हमारा संसार का एकमात्र ऐसा देश है ये जहां पर कि हम धरती को भी अपनी एक माँ के रूप में देखते हैं क्यों नहीं देखेंगे हमें जीवन देती है हम धरती के बिना जिंदा रह सकते हैं क्या हमें खाना कहाँ से मिलता है धरती से ही तो मिलता है ना अरे अपना सिर तो हिला दिया करो yes, आ, ना कुछ तो नहीं तो जो दिख नहीं रहे वो तो ठीक है जो दिख रहे हैं वो ही ऐसे बैठे हैं जैसे तो हिल ही नहीं रहे बिल्कुल भी स्टैचू होके बैठे हैं। तो धरती माता का जो खून है वो बिना रुके निरंतर अनसीजिंगली फ्लोइंग आउट ऐसा लगता था जैसे धरती माता का खून बाहर की तरफ बह रहा है थ्रू दैम एज स्मोक और वो जो बड़ी बड़ी जो दरारें पड़ी हुई है ना जमीन के अंदर सूखने से जमीन के अंदर जो दरारें पड़ गई हैं उन दरारों में से जो धुआं निकल रहा है ऐसा लग रहा है कि वो धुआं नहीं है बल्कि इस धरती माता का ब्लड है खून है जो कि इन दरारों में से धुएं के रूप में बाहर निकल रहा है देखिए आप किस तरीके से उसने इस धरती की पीड़ा को व्यक्त किया है यहां पर आप देखिए ये कहलाता है लिटरेचर if one gazed long at its rising flame like sinuous movement it left him as it were dazed with drunkenness और अगर कोई व्यक्ति लगातार इन लपटों को इस धुएं को अगर लगातार निकलता हुआ देखता रहे तो वो ऐसा लगे जैसे कि वो आदमी भी बेहोश हो जाए if one gazed long gazed का मतलब लगातार देखना लॉन्ग का मतलब काफी देर तक एज इट्स राइजिंग इसके ऊपर उठती हुई फ्लेम लाइक साइनियस मूवमेंट साइनियस का मतलब ऐसे घूमता हुआ वो धुआं निकलता है ना तो ऐसे घूमता हुआ सा ऐसे निकलता है वो धुआं अगर कोई आदमी लगातार इनको देख लेना इस निकलते हुए धुएं को जो धरती में से निकल रहा है तो इट लेफ्ट हिम एज इट वर डेड विद ड्रंकनेस तो वो आदमी एक प्रकार से बेहोशी की स्थिति में भौचक्का होकर के देखता रहेगा कि देखो धरती में से क्या कैसे निकल रहा है कहने का मतलब है सूखा शब्द तो नहीं आया है यहाँ पर लेकिन आप समझ गए होंगे कि बात तो सूखे की हो रही है ना धरती जब फट जाती है तो सूखा होता है तभी तो धरती फटती है धरती में दरारें पड़ती हैं आप तो शायद कभी देखी नहीं होंगी अब तो खैर सर सूखा तो नहीं देखा पर काली मिट्टी तो उसमें दरारें पड़ जाती है हाँ काली मिट्टी का मैटर अलग है बाकी दरारें जा... दरारे 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 पड़ जाती जमीन में दरार पड़ जाती है भैया जमीन में दरार पड़ जाती है जब जमीन के अंदर नमी नहीं रहती है तो जमीन भी फटने लग जाती है जमीन में भी दरारें पड़ जाती है सूखा बहुत बड़ी विभीषी का है जी हाँ हमारे यहाँ तो राजस्थान में तो विशेष रूप से सूखा पड़ता ही रहता है बरसात कम होती है तो पड़ता रहता है सूखा एट द एंड ऑफ द फील्ड बिसाइड द रोड देयर स्टूड द हाउस ऑफ गफूर और खेत के अंत में सड़क के साथ साथ सड़क के किनारे पर मान लीजिए गफूर का मकान था देयर स्टूड द हाउस ऑफ गफूर गफूर का मकान था वीवर कौन है गफूर वीवर समझ रहे हो आप कौन होता है कौन होता है वीवर अच्छा जुलाहा समझते हो आप बुनकर कपड़ा बुनने वाला जुलाहा वीव yes, का सर्थ. मतलब होता है बुनना और वीवर का मतलब होता है बुनने वाला कपड़ा बुनने वाला समझ गए तो आप, आप तो yes, खैर अब तो खैर कपड़े अब तो खैर कपड़े, तो कपड़े मशीनों से बुनाया बुनाई होती है मशीनों से बनते हैं कपड़े लेकिन एक समय था जब कपड़े हाथ से तैयार होते थे धागा तैयार करते थे पहले धागे से फिर कपड़े बुने जाते थे तो ये काम कौन करता था समाज के अंदर जुलाहा जिसको हम बोलते हैं व्यूअर जुलाहा कपड़े बुनता था वो जैसे कपड़े अपन जाते हैं ना बाजार में अपन तो आजकल तो रेडीमेड ले आते हैं लेकिन पैंट बनवानी है तो पैंट का कपड़ा आता है शर्ट बनवानी है तो शर्ट का कपड़ा आता है ये कपड़ा कहां से आता है अब तो खेल मशीनों में बनता है ये है ना बड़ी बड़ी कंपनी है वो मशीनों से बनाती है ये कपड़ा लेकिन पहले जब मशीनें नहीं थी तब हाथ से बनाता था आदमी कपड़े को समझ में आई बात आपको और ये जो हाथ से कपड़ा बनाने वाला होता था ये कहलाता था जुलाहा जिसको हम कहते हैं वीवर कौन था गफूर एक वीवर था एक जुलाहा था नाउ दैट द मड वॉल्स वर इन रूस द कर्ट द पब्लिक हाईवे And the inner privacy was thrown on the mercy of the passers by. Passers by तो पिछले लेक्चर में भी आया था। रानोगा yes, आपको इस कम्पोज़र मतलब हागीर, हागीर। Yes, sir, now the that the mud walls were in ruins. अब जो दीवारें बनी हुई थी ना घर की मिट्टी की बनी हुई दीवारें जो थी, वर इन ruins का मतलब क्या हो गया? धीरे-धीरे खंडर में तब्दील होती जा रही थी। समझ में आ गई बात आपको? धीरे yes, धीरे खंडर होती जा रही थी हो चुकी थी लगभग दीवारें द दर्ट यार्ड पब्लिक हाईवे और घर का जो आंगन था वो कहां तक आता था जो रास्ता था ना पब्लिक हाईवे सड़क थी जो बाहर वहां तक आ रहा था क्योंकि दीवार टूट गई थी ना भाई जब हमारे घर के आगे जो दीवार बनी हुई है जब वो खंडर हो जाएगी टूट जाएगी तो घर हमारा बाहर आ गया कि नहीं आ गया सिचुएशन को पकड़ो आप आप इमेज किया करो चीजों को मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक इमेज कर रहा हूँ दीवारों को मैं इमेज कर रहा हूँ मैं मैंने जब आपको धरती के बारे में बताया तो मैंने उस दृश्य को अपने सामने इमेज किया कि धरती है फटी हुई सी दिख रही है ये तो अपने आप कर सकते हो इमेज अगर आप इमेजिन करने लग जाओगे एक बार चीजों को तो पूरा का पूरा लेसन आपके दिमाग में उतर जाएगा एक फिल्म की तरह क्लियर हो गई बात आपको Yes, sir. तो ऐसे ही आप उसके घर को yes, इमेजिन, इमेजिन कर सकते हो आप ये आर्ट आपके अंदर अगर आ गई तो आपको बहुत इजी हो जाएंगी चीजें आपके लिए करना क्योंकि इमेज निकलती नहीं है दिमाग से अब आपका ध्यान वाली बात है कि आप कितना ध्यान से इस चीज को सुन रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो बहुत कुछ रोल होता है हमारा कंसंट्रेशन का हम कितना फोकस है हमारा चीज के ऊपर और कितना ध्यान है हमारा एंड द इनर प्राइवेसी वाज थ्रॉन ऑन द मर्सी ऑफ द पासर्स बाई और अंदर की जो प्राइवेसी थी प्राइवेसी समझते हो ना निजता हम अपने घर में बैठे हैं कैसे भी बैठे हैं क्या भी बैठे हैं एक निजता होती है ना एक प्राइवेसी होती है कि नहीं होती अपने घर में भी हम रहते हैं तो कोई कैसे बैठा है कोई कैसे बैठा है कोई खाना खा रहा है कोई पानी पी रहा है कोई टीवी देख रहा है कोई सो रहा है कोई लेट रहा है होता है कि नहीं होता yes, sir. अब ये प्राइवेसी होती है अब ये प्राइवेसी किसके ऊपर डिपेंड हो गई यानी कि प्राइवेसी नाम की चीज नहीं घर के अंदर रही अब कुल मिलाकर के कहने का है कि घर की दीवारें जब खंडर जैसी हो गई तो प्राइवेसी कहां से रहेगी अंदर का सब कुछ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई दिखा देगा अब ये प्राइवेसी किसकी दया पर निर्भर हो गई जो भी राहगीर है उसकी दया पर निर्भर हो गई कैसे निर्भर हो गई वहां से गुजरने वाला व्यक्ति कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना देखे सीधे निकल जाएंगे और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रुक करके घर के अंदर देखने लग जाएंगे क्योंकि घर के अंदर तो दीवारें तो टूटी हुई है ना सब कुछ दिखाई दे रहा है समझ में आ गया देखो आप लिटरेचर है ये यानी क्या कहा है इसने घर की जो प्राइवेसी थी घर की जो निजता थी वो भी वहां से गुजरने वाले राहगीरों की दया पर निर्भर थी समझ में आ गया ना कैसे निर्भर थी ये ये लिखने का स्टाइल होता है ये होता है लिखने का स्टाइल एक एक बात को किस तरीके से लिखा जा रहा है कैसे उसको एलिबोरेट किया जा रहा है समझ में आ रही है बात आपको लिटरेचर वालों के लिए मैं पर्टिकुलरली क्योंकि मेरे पास यहाँ पर लिटरेचर के स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं लिटरेचर का मतलब केवल इतना सा नहीं होता है कि साहब आप उसको पढ़ करके और रट्टा मार लो हिंदी कर लो और बात खत्म हो गई कोर्स पूरा हो गया वास्तव में अगर आपको लिटरेचर पढ़ना है तो उसकी गहराई में जाकर के उन चीजों को समझना भी चाहिए ना अपने को डू यू वॉन्ट नहीं hey, गफूर, बॉडी इन कॉल्ड आउट तारक रत्न अब ये बात तो आपको समझ में आ गई आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी यहाँ तक कि गफूर की पोजीशन क्या है समझ में आ गई होगी बात आपको yes, sir. गफूर की आर्थिक गफूर की आर्थिक स्थिति भी समझ में आ गई होगी आपको नहीं समझ में आई होगी हालांकि इसमें तो कहीं लिखा हुआ नहीं है लेकिन उसके मकान का जिस प्रकार से चित्रण किया गया है जिस प्रकार से उसके मकान के बारे में बताया गया है तो हम समझ गए हैं ना कि भैया गफूर की आर्थिक स्थिति क्या है हाँ। क्लियर हो गई बात आपको अच्छा अब क्या हुआ आइए जरा तारक रत्न वहां से आ रहा है कि नहीं आ रहा जमींदार के घर से ये सर आ रहा है आ रहा है ना सर और ये गर, गफूर का घर भी बता दिया कैसा बना हुआ है क्या कर रहे हो अब रास्ते में जब तारक रत्न आ रहा है तो रास्ते में गफूर का घर पड़ा तो तारक रत्न ने क्या किया गफूर के घर पे आ गया वो और देखिए अब आप नीचे लिखा हुआ है डायलॉग हे hey, गफूर आवाज लगाई उसने गफूर को अरे गफूर इज एनीबॉडी इन अरे कोई अंदर है कॉल्ड आउट तारक रत्न तारक रत्न ने आवाज लगाई स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री बाय द रोड साइड यानी कि सड़क के किनारे पर एक पेड़ था उस पेड़ की छाया में तारक रत्न खड़ा हो गया और खड़े होकर के उसने आवाज लगाई अरे भाई गफूर अंदर है क्या कोई समझ में आ गई बात आपको सिचुएशन yes, समझ sir. आ गई गफूर का घर yes, है घर की उसकी दीवारें टूटी हुई हैं उसके आंगन की जो दीवारें हैं वो टूटी हुई हैं बाहर सड़क के पास में एक पेड़ लगा हुआ है उसकी छाया में खड़ा हो गया तारक रत्न और वहां से उसने आवाज लगाई क्लियर हुआ यस सर व्हाट डू यू वांट फादर इज डाउन फीवर आंसर गफूर लिटिल डॉटर एजेड टेन अपेयरिंग एट द डोर समझ में कोशिश कीजिए सब समझ में आ जाएगा आपको वो यू वॉन्ट आपको क्या चाहिए डॉटर तो किसने जवाब दिया गफूर की छोटी एजेट टेन समझ में आ गया होगा आपको एजेट टेन का मतलब क्लियर yes, हो गया कि नहीं हो गया yes, sir. ये, ये लिखे है इसमें कि शिवास टेन ईयर्स ओल्ड yes, नहीं ना yes, समझ आगे। आगे नहीं no, समझ yes, समझना इसको कहते हैं चीजों को समझना yes, जिससे कि हमको जरूरत पड़े तो हम इनको जितना अच्छे से समझेंगे हम इनको एक्सप्रेस भी कर पाएंगे अपेयरिंग एट द डोर अपेयरिंग एट द डोर का मतलब दरवाजे पर आते हुए अंदर होगी दरवाजे पर आते हुए उसने कहा क्या चाहिए आपको पिताजी को तो बुखार है किसने कही ये बात गफूर की लड़की ने जिसकी उम्र कितनी है मात्र दस साल देखिए आप शानदार लेसन है ये। मैं तो कितनी बार पढ़ा चुका हूं इसको पर हर बार मुझे तो वही आनंद आता है पढ़ाने में मतलब आनंद का मतलब है कि अब इस प्रकार की बुरी चीजों को देख के आनंद तो नहीं आ सकता लेकिन समझ जो है ना पढ़ने का मन करता है बार बार जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर अच्छा अच्छा राइटिंग वर्क क्या होता है जिसको आप बार बार पढ़ने का मन करे आपका मेरे को कभी भी पुराना नहीं लगता मेरे को कभी भी ये चीजें पुरानी नहीं लगती मैं जो लेसन आपको पढ़ाता हूं कभी भी पुराने नहीं लगते मेरे को क्योंकि वास्तव में इनकी एक क्वालिटी है स्कॉन्ड्रल तारक रत्न शाउटेड तारक रत्न जोर से चिल्लाया बुखार आ रहा है बदमाश कहीं का बुलाओ उसको बार गरीब आदमी को भैया कोई भी डरा लेता है रे गरीब आदमी को कोई भी दबा लेता है यह संसार का नियम है पता नहीं क्या है द नॉइस द नॉइस ब्रॉट गफूर आउट उस आवाज को सुनकर के गफूर बाहर आ गया द नॉइस ब्रॉट शोर ले आया गफूर आउट गफूर को बाहर ले आया समझ गए होंगे आप यानी कि शोर से yes, बाहर आया शिवरिंग विद फीवर समझ में आ गया होगा आपको शिवर का मतलब कांपना yes, sir, बुखार से yes, कांप रहा था yes, बुखार से कांपता हुआ बुखार से कांपता हुआ शिवरिंग यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है अगर आपको ध्यान हो तो किसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है ये आईएनजी वाली फॉर्म एडजेक्टिव का, का काम कर रहा है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है गफूर को गफूर को कांपता हुआ कौन है कांपता हुआ गफूर गफूर, गफूर।, गफूर कांपता हुआ बाहर आया ए टाइड टू द ओल्ड एकेसिया का मतलब एक बबूल का पेड़ नहीं होता है बबूल का पेड़ यस सर वो तो वो ए बुलवास टाइड यानी कि एक बैल बंधा हुआ था टू द ओल्ड एकेसिया एक पुराना एक बबूल का सा पेड़ था उस पेड़ से एक बैल बंधा हुआ था और था पेड़ जो था वो टूटी हुई दीवार की तरफ झुका हुआ था और उस टूटे हुए दीवार की तरफ जो झुका हुआ पेड़ था बबूल का उससे ये बैल बंधा हुआ था ये बैल किसका था गफूर का

एक्सपेक्टेड हिज वर्ड वुड बी हॉट एंड हार्स और ये साफ साफ दिखाई दे रहा था उसके चेहरे को देख करके कि वो जो बोलेगा बहुत ही कठोर शब्द वो बोलेगा बट गफूर सिंपली लुक डेट हिम अनेबल टू फॉलो द इम्पोर्ट ऑफ हिज वर्ड्स लेकिन गफूर ने साधारण से तरीके से उसको देखा उस समझ नहीं पा रहा था कि यह कह क्या रहा है unable to follow the import of his words import का मतलब मीनिंग वो उसके शब्दों के अर्थ को समझ नहीं पा रहा था उसकी कितना बड़े साधारण से तरीके से उसने देखा वेल सेड तारक रत्न तारक रत्न कहा आई सॉ इट टाइड देयर इन द मॉर्निंग एंड इट इज स्टिल देयर इफ द बुल डाइज योर मास्टर विल फ्लेय यू अलाइव तारक रत्न ने कहा अच्छा देखो मैंने सुबह इसको वहां बंधे हुए देखा था है ना? और अभी भी ये वही बंधा हुआ है और अगर इस बैल को कुछ हो गया अगर ये बैल मर गया ना तो जो जमींदार है ना तुम्हारा मालिक है वो तुम्हारी चमड़ी उदेड़ देगा समझ में आ गई बात आपको yes. What shall I do, शैल आई एम हेल्पलेस अब गरीब है बेचारा तारक रत्न तो एक खाया हुआ खूब कोई कमी नहीं है उसके पास तो है ना? जमींदार से उसकी अच्छी मिल, बनती भी है लेकिन गफूर है बेचारा वो तो गरीब है उसके पास खुद ही खाने के लिए नहीं है उस अब फादर का मतलब माँ बाप माई बाप फुजूर What शैल आई डू मैं क्या करूं आई एम हेल्पलेस मैं बिल्कुल एसहाय हूं मैं बिल्कुल ऐसा है मैं मजबूर हूं आई एम हेल्पलेस आई द लास्ट फ्यू डेज पिछले कुछ दिनों से मुझे बुखार है आई कान टेक हिम आउट टू ग्रेज और मैं इसको बाहर चरने के लिए भी नहीं लेके जा सकता कहने का मतलब है कि बैल भूखा है घर में कुछ है नहीं खिलाने के लिए क्या खिलाए खुद के लिए ही नहीं है खाने के लिए और खुद बीमार पड़ा हुआ है बैल को बाहर कैसे ले जाए चरने के लिए ले जा सकता है क्या आई फील सो एल मैं बहुत बीमार हूं कांट यू लेट हिम ग्रेस बाय हिमसेल्फ तारक रत्न का अरे तो उसको छोड़ दो उसको छोड़ दो खुद ही चढ़ के आ जाएगा कांट यू लेट हिम ग्रेस बाय हिमसेल्फ क्या तुम उसे खुद चढ़ने के लिए नहीं छोड़ सकते अपने आप चढ़ के आ जाएगा तुम ही चढ़ा के लाओगे इसको तो गफूर ने कहा फादर father, father का मतलब माँ बाप माई बाप बोलते नहीं ये करीब छोटा आदमी बेचारा बड़े आदमी से माई बाप कहा जाने दू मैं इसको पीपुल लोगों ने अभी तक पैडी का मतलब धान होता है ना खेत में धान फसल ये होती है उसमें से फिर अलग अलग किया जाता है ना थ्रैस किया जाता है फसल उगती है ना तो आपको मालूम होगा जब फसल उगती है तो उसका दाना निकाला जाता है ना उसमें से ना, ना, है ना? जैसे गेहूं है तो गेहूं की जो बालियां होती हैं उसमें से गेहूं और भी फसल जाती है ना उस क्रिया ना? को कहते हैं हम थ्रेशिंग करना समझ रहे हैं? जिसमें कि भूसा अलग हो जाता है और दाना अलग हो जाता है समझ में आ गई बात आपको क्लियर थ्रेश का मतलब समझ में आ गया आपको भाई खेत में एक फसल होती है फसल के बाद किसान उसकी कटाई करता है काटने के बाद उसकी पुलियां बना दी जाती हैं फिर उसके ये बाद ये उसके बाद उसमें से क्या किया जाता है चारा अलग किया जाता है और दाना अलग किया ये जाता है ना अनाज अलग किया जाता अनाज अलग किया जाता है तो ये जो क्रिया ये होती मैंने है, मैंने देखा है हाँ देखा है इसको थ्रेसिंग करना कहते हैं अपन अब तो खैर मशीनों से होने लग गया है अलग अलग तरीके से होता था पहले परंपरागत तरीके कई थे अब तो मशीनों से होता है तो उसने ये कहा कि देखो अभी तो लोगों ने अपनी धान की धान से अनाज भी नहीं निकाला है समझ में गई बात आपको यानी खेतों में उनका धान पड़ा हुआ है अब मैं अगर अपने इस बैल को छोड़ दूंगा तो ये लोगों के खेतों में घुसेगा और उनका धान खा जाएगा तो मैं इसको छोड़ कैसे दू इट इज स्टिल लाइंग इन द फील्ड्स अभी तो किसानों की लोगों की जो धान की फसल है वो खेतों में ही पड़ी हुई है समझ में आ गई ना बात आपको अपने बैल को क्यों नहीं छोड़ पा रहा है वो सर yes, किसी के खेत yes, में जाएगा धान खा के आ जाएगा तो फिर झगड़ा होगा कि नहीं होगा द स्ट्रॉ हैजंट बीन गैदर्ड और अभी तो जो चारा है ना स्ट्रॉ का मतलब जो अनाज अलग करने के बाद में जो बचता है ना चारा भूसा जो बचता है yes, समझ में आगे बात आपको वो भी इकट्ठा नहीं हुआ है एवरीथिंग इज बर्न टू सिंडर्स सब कुछ ऐसे जल जल करके कोयला जैसा हो रहा है ब्लेड ऑफ ग्रास एनी वेयर कहीं पर कुछ खाने के लिए है नहीं कहीं पर एक घास का पत्ता भी नहीं है सूखा पड़ रहा है ना समझ में आ रही बात नहीं आ रही मतलब मैं इसको कहा छोड़ू इस ये बैल ये को कहा छोड़ू जहां से चरके आए लोगों के तो नाच पड़े हुए हैं अभी फसल पड़ी हुई है खेतों में और कहीं पर सब कुछ जला जला सा दिखाई दे रहा है कहीं पर एक घास का पत्ता भी नहीं है इस बैल को कहा छोड़ू चरने के लिए हाउ कैन आई लेट हिम लूज मैं इसको ढीला कैसे छोड़ दू खुला कैसे छोड़ दू क्यों खुला छोड़ते क्या होगा क्या होगा खेतों में घुसेगा लोगों के फसल खाएगा और लड़ाई झगड़ा होगा फादर भाई बाप कहा छोड़ गया हूं मैं इसको ही माइट स्टार्ट पॉकिंग हिज नोज इन somebody's paddy, पैडी और ईटिंग समबॉडी जिस्ट्रो अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा ही आ रहा है यहां पर बैल के लिए माइट स्टार्ट पॉकिंग पॉकिंग का मतलब मुंह मारना समझ में आ गई बात आपको ये किसी के भी धान के खेत में घुस जाएगा और वहां पर जाकर के मुंह मारेगा इंटू समीज पैडी और ईटिंग सम्बॉडीज स्ट्रॉ या तो ये किसी के खेत में घुस करके उसका धान खाएगा या अगर उसने अनाज अलग कर लिया है तो उसका चारा खा जाएगा तो मैं इसको कैसे छोड़ दू क्लियर हुआ आपको yes, sir. समझ में आ रहा है आपको यस सर वेरी गुड आज अपन इसको यही रोक देते हैं ओके थैंक यू